मृत्यु क्यों होती है? मौत किन लोगों को तकलीफ नहीं देती है? एक बालक जो सशरीर यमराज तक पहुंचा और उसने जीवन और मौत से जुड़े रहस्य जान लिए। किसी प्राणी ने पहली बार यमराज से पूछा था कि मृत्यु क्यों होती है? मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है? वो कहाँ जाता है? ये तीन सवाल सबसे पहले एक बच्चे ने यमराज से पूछे थे। ये कहानी कठोपनिषद की है। कठोपनिषद प्रमुख उपनिषदों में से एक है। मूलतः ये उपनिषद नचिकेता और यमराज के संवाद का ही ग्रंथ है। बाजश्रवा नाम के ऋषि की संतान थे नचिकेता। बाजश्रवा ने एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की समाप्ति पर वो ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान दे रहे थे कि एक छोटे बालक नचिकेता ने उनसे पूछा, आप दान क्यों दे रहे हैं? बाजश्रवा ने कहा, मैंने संकल्प लिया है, अपने स्वामित्व वाली सारी चीजें दान कर दूंगा। नचिकेता ने फिर पूछा, पुत्र होने के नाते मुझ पर भी आपका स्वामित्व है, मुझे किसको दान करेंगे? बाजश्रवा अपने काम में व्यस्त थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। नचिकेता ने फिर वही सवाल दोहराया। बाजश्रवा ने फिर भी ध्यान नहीं दिया। जब बार बार नचिकेता एक ही सवाल पूछ रहे थे तो बाजश्रवा ने गुस्से में कहा, मैं तुझे यमराज को दान देता हूँ। नचिकेता पिता की आज्ञा मानते हुए यमलोक की ओर चल दिए, लेकिन उसकी आयु पूरी नहीं हुई थी तो यमदूतों ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। यम के द्वार पर नचिकेता तीन दिन भूखे प्यासे बैठे रहे। तब यमराज खुद उनसे मिलने आए और कहा कि तुमने तीन दिन तक भूखे रहकर मेरे लिए तप किया है, सो तुम तीन वरदान मांग लो। नचिकेता ने कहा, पहला वरदान कि मैं जब मेरे पिता के पास लौट कर जाऊं तो उनका गुस्सा शांत हो जाए। दूसरा ये कि आप मुझे अग्नि विद्या का ज्ञान दें ताकि मैं लोगों का भला कर सकूं, और तीसरा मुझे जीवन और मृत्यु से जुड़े सवालों का जवाब दीजिए, इससे जुड़े रहस्य मुझे बताइए। पहले दो वरदान तो यमराज ने मान लिए, लेकिन तीसरे के लिए उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन नचिकेता की जिद और लगन के आगे उन्हें हार माननी पड़ी। नचिकेता के सवाल पर यमराज को जवाब देना पड़ा। यमराज ने कहा, किसी की मौत क्यों होती है, इसे समझना बहुत कठिन है। एक कर्म फल का परिणाम भी है, भाग्य का लेख भी है। जो भी संसार में जीवन पाता है उसका वहाँ रहने का एक तय समय होता है, इसके बाद उसे किसी न किसी रूप में संसार को छोड़ना ही पड़ता है। नचिकेता ने पूछा, मृत्यु किन लोगों को पीड़ा नहीं देती है? यमराज ने कहा, जिसने पाप ना किया हो, जो दूसरों को पीड़ा नहीं देता हो, जो सत्य के मार्ग पर चलता हो, जिसने अपने धर्म और कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन